अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश और मजे में है। मेरी सारी किचन क्वींस नाश्ते लंच वगैरह आजकल यही भाग दौड़ लगी होगी। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरी मॉर्निंग रूटीन। 4:30 मेरी मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट होती है। नमाज वगैरह से फ्री होके मैं किचन में आ जाती हूँ। तकरीबन 5 बजे के करीब मैं लंच बनाती हूँ बच्चों के लिए और साथ में सुबह के लिए नाश्ता भी। लास्ट वीकेंड पे जो भाई आया हुआ था ना, तो मैंने जो पिज्जा बनाया था उसका ये जो लेफ्ट ओवर चिकन है इसको मैंने बर्गर में डाल दिया है मेयो और केचप लगा के। तो इसमें बस चिकन काटना है, थोड़ी सी बेल पेपर्स और प्याज काटने हैं और साथ में जो थोड़े से स्पाइसी है नमक, काली मिर्च, पेपरिका पाउडर वगैरह वो डाल के तो इसको चिकन को पका लेना होता है। तो ये सैंडविच के लिए बहुत अच्छा चिकन है। मैं इसके इन्ग्रीडियंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये मैंने रेडी कर दिया है और ये बहुत अच्छा न्यूज़पेपर वाला जो सैंडविच रैप है ना, ये मुझे मिला था अमेजोन से। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तिहामी को मैंने फ्राइड चिकन दिया है और साथ में वेफर्स दिए हैं और किरी दी है। और तिहामी के लिए ये सैंडविच है और साथ में केक है और एक किरी है। मेरे पास फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह अब ज्यादा नहीं थे तो इस वजह से वो मैंने ऐड नहीं किए। अब मेरे पास एक ही बर्गर बन रह गया था, थोड़ा सा ही चिकन था, तो इसको भी मैंने रैप कर दिया है, बच्चे खा लेंगे दोपहर में। लंच वगैरह मैं पैक कर दूंगी। तकरीबन 5:30 के करीब मैं लंच बना लेती हूँ, या फिर कभी लेट स्टार्ट करूँ तो फिर 5:45 तक सारा लंच रेडी हो जाता है। फिर नेक्स्ट हामी की ड्यूटी होती है जिसमें उसने अपने बैग में भी रखना होता है और मिशारी का और अपना ब्रेकफास्ट लेके जाना होता है। तिहामी बड़ा हो गया, सो तिहामी लंच बैग जो है प्रेफर नहीं करता, वो डायरेक्ट बैग में लंच बॉक्स डाल लेता है। बड़े अच्छे लंच बॉक्सेस हैं अमेजोन से, ये भी मैंने लिए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। तो ये बिल्कुल भी लीक नहीं होते, लीक प्रूफ है। मिशी का भी मैंने लंच पैक कर दिया था और अब ये देखें इस वक्त तकरीबन 5:45 आई थिंक हो रहे होंगे और थोड़ी थोड़ी सी लाइट आना शुरू हो गई है और यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। तिहामी का आज पीई पीरियड है जिसकी वजह से वो यूनिफॉर्म ये पहन के जा रहा है और मिशारी का रेगुलर डे है। गो 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 गो। ओ, ही नीड्स वाइपमैन। बेटा, यू कैन फिनिश योर वाइपमैन ऑन योर वे। दी नहीं है मैंने इसको भी वाइपमैन। दे दिया। अच्छा, दे दिया। ओके। 6:05 पे बच्चे नीचे चले जाते हैं अपने फादर के साथ ताकि स्कूल बस आ जाए और फिर वो लोग स्कूल चले जाएं। ये टाइम बहुत हसल बसल का होता है, भाग दौड़ लगी होती है। मिशारी का बिल्कुल नहीं दिल करता सुबह ब्रेकफास्ट करने का, सो मैं थोड़ा सा बस हाफ बनाना शराद खिलाती हूँ और साथ में मिल्क। अब इस वक्त मैं लंच की तैयारी कर लूंगी। मंडे को जो भी मेरा लंच का प्लान होता है वो बहुत सिंपल सा होता है क्योंकि वीकेंड पे हम लोग बहुत घूमने फिरने यहाँ वहाँ गए होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, तो काफ़ी थकावट वाला दिन होता है मंडे। तो उसकी मॉर्निंग में इतना कुछ किया नहीं जाता, सो मैं ईजी वाला मेन्यू रखती हूँ। सो जस्ट मैं दाल बना रही हूँ और साथ में शायद सैलड बना लूँ, ये आगे देखती हूँ प्लान क्या करती हूँ। तो ये मसूर की दाल मैंने रात में भिगो के रखती थी, चूँकि मैंने मेन्यू प्लान किया होता है सो इसलिए बहुत पता होता है ईजिली कि कल मैंने क्या बनाया। So, इसको मैं अब एक दफा अच्छे से 2 दफा वॉश कर लूंगी। 6 बजे का तकरीबन टाइम हो रहा है, इसको मैं पानी डाल के ना तो प्रेशर दे दूंगी। साथ में मैं इसमें डाल रही हूं नमक और हल्दी पाउडर। इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी उस वक्त तिहामी बहुत छोटा था तो मैं इस टाइम पे सो जाया करती थी, लेकिन अब मैं इस टाइम पे नहीं सोती हूँ। देखें 6:14 हो रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर वाला सीन चल रहा है और यहाँ पे मॉर्निंग देखिए माशाल्लाह से कितनी सारी हो गई है। नीचे बसेस ही बसेस आई होती हैं, बहुत मज़े का लगता है सीन देख के। और बस थोड़ा थोड़ा सा वेदर भी चेंज होने लग गया है, ठंडक बिल्कुल नहीं हुई है लेकिन हल्की हल्की हवा अब चलने लग गई है। आ जाते हैं वापस किचन में। प्रेशर जो है वो रिलीज कर दिया है प्रेशर कुकर का और बस अब इसको खोल के देख लेंगे, दाल रेडी हो गई है तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे।
इस टाइम पे कुकिंग करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मुझे चूंकि व्लॉगिंग और एडिटिंग भी करनी होती है, सो मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट है कि सुबह सुबह ही मैं खाना बना लूँ, ताकि बच्चे भी आएंगे तो उनको भी खाना प्रॉपर मिलेगा, बजाय इसके कोई मैगी बना के दे दी या कुछ फ्राई करके दे दिया या फिर चलो जी बाहर से ऑर्डर कर लें, तो खाना घर पर रेडी होता है, वो फिर वही खाना खाते हैं। लेकिन मेरा ये होता है कि मेरी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। अभी मैं आपसे आगे शेयर करूंगी कि इतनी जल्दी जल्दी सुबह सुबह खाना बना लिया तो अब नेक्स्ट मैं क्या करूंगी। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो में दिखाया था कि मैं सुबह सुबह लंच बना लेती हूँ, तो किसी ने कमेंट किया था कि इतना प्रोडक्टिव भी कोई नहीं होता, आप सुबह सुबह मतलब इतना यानी हिला नहीं जाता, तो आप जो है वो सुबह खाना भी बना रही होती हैं, तो क्या ये यूट्यूब के लिए कर रही हैं? तो नहीं, यूट्यूब पर दिखा के मैंने ये चीज़ क्या पॉइंट प्रूव करना है कि भाई मैं तो सुबह सुबह सब कर लेती हूँ और आप तो सारे बस लेजी हैं, बस मैं ही हूँ एक एक्टिव, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात भी ज़रूरी है कि घरदारी जो है ना वो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी, तो मुझे ये पहले ही निपटानी है, उसके बाद मैं अपना YouTube का काम कर सकती हूँ। पहले YouTube मेरी ज़रूरत थी, उसके बाद अब ये मेरा शौक है, लेकिन ये मेरा करियर बन चुका है, तो मैं अपने करियर को जो है ना वो ख़त्म नहीं करना चाहती। तो लेकिन मैं अपनी घरदारी से भी, जिम्मेदारियों से भी नहीं भाग सकती कि सब कुछ छोड़ के बस पहले मैं एडिटिंग करूँ, वीडियो मेकिंग करूँ और बाद में खाना टाइम पे ना बने, भाग दौड़ लगी हो। सो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस यही है कि सुबह सुबह खाना बना के मैं फ्री हो जाऊँ, उसके बाद बाकी सारा दिन मैं अपनी मर्जी से जो चाहूँ वो मैं कर सकती हूँ, फैमिली को टाइम पे फ्रेश खाना मिलेगा। तो खैर जी, आते हैं कटिंग्स की तरफ। अभी मैं ये काट रही हूँ अनियन और साथ में टमाटोज काट रही हूँ, दाल की तैयारी कर रही हूँ मैं, साथ में 3 से 4 हरी मिर्चें भी ली हैं, उनको भी मैंने कट कर लिया है, और थोड़ा सा ये धनिया है। अभी हम दाल के लिए तड़का बना लेंगे, और इसके लिए मैं थोड़ा सा ना देसी घी लूंगी, जो भी मसूर की दाल होती है ना वो हमेशा मुझे देसी घी में बहुत अच्छी लगती है। इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं जीरा, साबुत जीरा, और साथ में मैं इसके अंदर प्याज डाल दूंगी, थोड़े से प्याज मैंने बचा लिए हैं क्योंकि मुझे सैलेड बनाना है। अभी इसके अंदर मैंने डाल दिया है जी जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसमें हम हरी मिर्चें डाल देंगे, और बस इसको हमने इतना सा फ्राई करना है कि प्याज सॉफ्ट हो जाए, हमें गोल्डन ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये दाल ऑलरेडी डार्क कलर की होती है। प्रेशर को मैंने रिलीज़ करने के लिए प्रेशर कुकर का जो वेट है वो हटा दिया है, उतने में इसमें टमाटर डाल दिए हैं, और इसको भी हम थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे, टमाटर थोड़े से गल जाएं। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ जीरा पाउडर और साथ में धनिया पाउडर और गर्म मसाला, साथ में इसमें जाएगी लाल मिर्च, और इसको हम मिक्स कर लेंगे, और बस इसको हम डाल देंगे दाल में। ऑयल मैंने मतलब घी वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ किया, बस थोड़ा सा यूज़ किया दाल में डाल के, तो बस इसको हम ऐसे 5-10 मिनट के लिए हल्की आग पे रख देंगे मिक्स करके, ताकि अच्छी तरह से सारा जो फ्लेवर है वो इन्फ्यूज़ हो जाए इसमें दाल में। थोड़ा सा पानी मुझे लग रहा था कम है, सो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया। 3-4 दफ़ा बॉयल आएंगे तो बस हम ये चूल्हा बंद कर देंगे। उतने में हम सैलेड बना लेते हैं। सैलेड के लिए मैंने प्याज ले लिए हैं, और ये वाली रेड ऑरेंज मिक्स से बेल पेपर है, और इसको सोचा यूज़ कर लेती हूँ। साथ में मैंने इसमें डाल दिए हैं टमाटर और ये गाजर, साथ में खीरा, धनिया और जो होता है पुदीना वो मैं डाल दूंगी। अभी मैंने ना अपने किचन की लाइट्स चेंज कराई हैं, येलो कलर की लगवाई हैं, तो उसकी वजह से ना थोड़ा सा कलर्स, ये जैसे कैरेट्स का देखें कैसा कलर आ रहा है, तो मैं 1-2 दिनों में कैमरा जो है ना वो इंशाल्लाह एडजस्ट करूंगी। अब बात कर लेते हैं कि सुबह सुबह मैं ये मैनेज कैसे करती हूँ। पहली बात तो ये कि माइंड सेट होना चाहिए, मुझे ये एक्साइटमेंट होती है कि सुबह सुबह कामों से फ्री हो जाऊँगी ना, मेन काम तो कुकिंग ही है, उससे मैं फ्री हो जाऊँगी ना, और किचन में सारा साफ करके खाली करके रख दूंगी, तो फिर मेरी मेजर जिम्मेदारी खत्म होगी, फिर बारी बारी बच्चे आते जाएंगे उनको खाना देती जाऊँगी, और फिर हस्बैंड आएंगे उनको खाना दूंगी, और दिन अच्छे से ईजिली गुजर जाएगा। लेकिन उसके लिए मेरा तरीका क्या है कि मैं सुबह सुबह जब कुकिंग करती हूँ, तो आपने मुझे देखा होगा कि मैं रफ कपड़ों में कुकिंग कर रही होती हूँ, अगर डे टाइम में मैं आपके सामने आती हूँ तो मैंने चेंज किया होता है और मैं रेडी होकर आपके सामने आती हूँ, लेकिन सुबह सुबह बस जल्दी जल्दी कुकिंग करने वाली बात करती हूँ कि बस ये काम खत्म हो जाए। सो ये मेरी मोटिवेशन है कि मुझे, मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, सुबह सुबह कोई लाइबिलिटी नहीं होती, जो भी पहना हुआ है उसी तरह से बस काम करना शुरू कर देती हूँ, बाकी सारा दिन मेरे पास होता है रेडी होने के लिए, और रेडी होके अच्छा फील होता है, जुहिनी के मेकअप किया हो, जुहिनी के कपड़े इस तरह के पहने हो फैंसी घर में रहते हुए, लेकिन सिर्फ ये कि अच्छा इस तरह फील होता है कि आपने
चेंज किया हो ना तो फ्रेश फ्रेश फील करते हैं। इस टाइम पे मैं फ्रेश बिल्कुल नहीं फील कर रही होती, लेकिन हाँ मैं एनर्जेटिक बहुत फील कर रही होती इस खुशी के मारे कि मैं बस ना काम कर रही हूँ और काम निपटा रही हूँ। तो मैंने शहजाद के लिए भी लंच पैक कर दिया, दाल गर्म थी सो उसके अभी लिड मैंने क्लोज नहीं किया, थोड़ी देर में क्लोज कर दूंगी। तो मेरे पास ये लेफ्ट ओवर बनाना पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि इसी को ब्रेड पे लगा लेते हैं ताकि वेस्ट ना हो जाए। बनाना को मैं मैश कर लूंगी और ये बहुत मजे की ब्रेड बनती है। स्लाइसेस आप कभी ट्राई करके देखना, आपको बहुत मजा आएगा। मैंने ये ली थी लबना और ये मैंने न्यू वाली ट्रॉलीज जो मार्केट है वहां से ली थी, लेकिन इसके अंदर फंगस लगी हुई है। ये वजह है कि मैं सिर्फ और सिर्फ कारफोर से मंगवा लेती हूँ, कम अज कम वहां से कोई आई हुई चीज खराब कभी भी नहीं निकली है। ब्रेड के 2 स्लाइसेस ले लूंगी और उनके ऊपर पहले मैं क्रीम चीज लगा लूंगी और उसके ऊपर फिर ये बनाना जो मैश किए हुए ये रख लूंगी। बहुत टेस्टी इस तरह से ब्रेकफास्ट बनता है, आपको बहुत पसंद आएगा, जरूर ट्राई करके देखें। और बच्चों की तो ये हैबिट होती है कि जिन कंट्रीज में जिन एरियाज में आप रहते हैं जहाँ पे बड़े बड़े बनानाज मिलते हैं तो बच्चे हाफ खा के बाकी का रख देते हैं, पूरा नहीं खा सकते। तो इस वजह से ना बनानाज का ये बेस्ट यूज है। एक तो मिल्क शेक बना लिया जाए, उनको फ्रीज कर लिया जाए स्लाइस करके। ये लेफ्ट ओवर एप्पल भी मैंने साथ में रख लिया है और मैंने सोचा कि चलो भाई ये काम खत्म करते हैं ताकि चीजें वेस्ट ना हो। साथ में मैंने चाय भी बना ली है, चाय ना पीऊं तो मेरा दिन अच्छे से स्टार्ट नहीं होता। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्या टाइम हुआ है। सॉरी फॉर द बैड लाइटिंग, कैमरा एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, कभी लाइट कभी डार्क, बस क्या कुछ हो रहा है। मैं आपको भी दिखाती हूँ जी टाइम, ये टाइम देखें 7:15 हुए और मैंने सारा खाना बना लिया। इजी सा खाना था और किचन भी मैंने खाली कर दिया और बस अब मैं बैठ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं 8 बजे तक करूंगी फिलहाल नाश्ता और साथ साथ मैंने टीवी लगा लिया। नॉर्मली मैं 8 से 8:30 के दरमियान नाश्ता करती हूँ, लेकिन जिस दिन जल्दी मैं फ्री हो जाऊँ फिर मैं वो टाइम पीछे कर लेती हूँ। बेसिकली इसके बाद मेरा सारा टाइम एडिटिंग का होगा। अभी बस 8 बजने ही वाले हैं, शहजाद का ऑफिस करीब है तो वो बस 5 मिनट पहले ही निकलते हैं। तो बस ऐसे समझ लें 8 बजे का टाइम है और बस शहजाद ऑफिस चले जाएंगे। ब्रेकफास्ट उन्होंने आज नहीं करना था, मूड नहीं था उनका, तो लंच लेके चले गए हैं। और मैं अब 8 बजे से लेके तो 11:30 तक सिर्फ और सिर्फ एडिटिंग करूंगी। मेरी एक ही वीडियो पे रेसिपी राइटिंग, वॉइस ओवर एडिटिंग, वो सब मिला के थंबनेल बनाना, रेसिपी पोस्ट करना, वो सारा करके तो मुझे तकरीबन 3 से 3.5 घंटे चाहिए होते हैं। तो ये टाइम मेरे लिए इनफ होता है कि इसमें मैं पूरी तरह से एडिटिंग करती हूँ। एंड सॉरी फॉर द बैड लाइटिंग, इंशाल्लाह मैं उस पर भी काम करूंगी, कभी डार्क आ रही है वीडियो कभी लाइट आ रही है। तो खैर जी, इस वक्त बज रहे हैं 12 और खाना मैंने चूंकि बनाया हुआ था तो बस मैंने पिक्चर लेने की वजह से इसको थोड़ा डेकोरेट कर लिया दाल को, ताकि मैं अपनी वेबसाइट पे और थंबनेल पे पिक्चर पोस्ट कर सकूं। और ये दाल बहुत मज़े की बनी थी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके ऊपर मैंने प्याज और पुदीना से डेकोरेशन की है, साथ में ये हमारा सैलेड भी रेडी है। मैं और मिशारी अपना खाना अभी खा लेंगे क्योंकि मैंने सुबह 8 बजे खाया हुआ था, मुझे तो 12 बजे भूख लग जाती है, फिर उसके बाद मैं एक ही बार शाम में खा रही होती हूँ खाना। जब तक हम अपना खाना खा रहे हैं मैं आपसे स्केड्यूल रीकैप कर लेती हूँ। नमाज वगैरह पढ़ने के बाद बच्चों का लंच बनाती हूँ और फिर लंच बनाने के बाद ब्रेकफास्ट उनका रेडी करती हूँ, फिर उनको देते हैं, हम लोग ब्रेकफास्ट शहजाद करा देते हैं। और फिर 6 बजे बच्चे स्कूल चले जाते हैं और 6 बजे से लेके तो 8 बजे तक मेरे पास टाइम होता है, उसमें मैं खाना बनाऊँ। कभी मैं जल्दी फ्री हो जाती हूँ, जैसे आज 7:15 बजे खाना बना लिया, उसके बाद फिर मैं नाश्ता करती हूँ और फिर मैं एडिटिंग करती हूँ। तो एडिटिंग के बाद मेरे पास अगर कोई टाइम बच जाए तो उसमें मैं कोई स्किन केयर वगैरह कर लेती हूँ और वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। सारा डिटेल में इवनिंग नाइट रूटीन भी मैं आपसे बारी बारी शेयर करूंगी और जिस ऐप के थ्रू मेरी लाइफ इतनी ऑर्गेनाइज्ड है वो फ्री ऐप है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।